श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदि। श्री स्तुति में हम पांचवां श्लोक आज देखने वाले हैं। श्लोक इस प्रकार है, निष्प्रत्यूह प्रणय घटितं देवी नित्यानपायम् विष्णुस्त्वं चेत्यनवधि गुणं द्वन्द्वमन्योन्यलक्ष्यं शेषश्चित्तं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां संपद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्या विशेषाः। इस श्लोक में भगवती लक्ष्मी जी के वासस्थान कहाँ कहाँ है, ये अर्थ बताया गया है मुख्य से। और श्लोक रचना में भी निष्प्रत्यूह प्रणय घटितम इत्यादि शब्दों से द्वंद्वम अन्योन्य लक्ष्यम द्वंद्वम इत्यादि शब्दों से खूबी लाई गई है। श्लोक का पदच्छेद करेंगे, बाद में अर्थवर्णन करेंगे। निष्प्रत्यूह प्रणय घटितम देवी नित्यानपायम विष्णुहु त्वं च इति अनवधि गुणं द्वंद्वं अन्योन्य लक्ष्यं शेषः चित्तं विमलमनसां मौलयः च श्रुतीनां संपद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्याविशेषाः। पहले दो लाइन में लक्ष्मी नारायणाख्य जो मिथुन है, युग्म है अथवा द्वंद्व है, इस द्वंद्व के बारे में कुछ विशेषण कहा गया है। ये द्वंद्व किस प्रकार का द्वंद्व है, उसके लिए विशेषण निष्प्रत्यूह प्रणय घटितम द्वंद्वम। प्रत्यूह शब्द का मतलब है प्रतिबंधक, प्रतिबंधक रहित, निष्प्रत्यूह प्रतिबंधक रहित, प्रणय ऐसा रहने वाला जो प्रेम है, जिनकी प्रेम के लिए प्रतिबंधन प्रतिबंधक तत्व कुछ है नहीं, ऐसे प्रतिबंधक तत्व से वर्जित जो प्रेम है उससे घटितम, उससे दोनों लक्ष्मी नारायण दोनों तत्व एकत्रित हुई है, घटितम एक साथ हुई है, ऐसा एक साथ होने वाला प्रेम से एक साथ होने वाला द्वंद्व है। अर्थात वो भी प्रतिबंधक रहित प्रेम से एक होने वाला जो मिथुन है, निष्प्रत्यूह प्रणय घटितम द्वंद्वम नित्यानपायम द्वंद्वम। दूसरा विशेषण है नित्य अनपायम, कभी भी एक दूसरे से विरहित नहीं रहते हैं, दोनों सदा के लिए साथ में ही रहते हैं, एक को छोड़कर एक नहीं रहने वाला द्वंद्व है, उसे कहने के लिए अनपायम द्वंद्वम नित्य अनपायम अनपायम अपायम यानी एक के बिना एक रहना, न अपायम अनपायम एक साथ रहने वाला, नित्यम एक साथ रहने वाला, नित्यम एक दूसरे से वर्जित नहीं करने वाला जो द्वंद्व है। और इतना ही नहीं है, अन्योन्य लक्ष्यम अन्योन्य एक दूसरे को लक्षित करता है, एक दूसरे अर्थात लक्ष्मी जी को निरूपण करना है तो विष्णु से निरूपण करना है, विष्णु को निरूपण करना है तो लक्ष्मी के द्वारा निरूपण करना है, ऐसा अन्योन्य लक्ष्यम। सो लक्ष्मी नारायणाख्य जो मिथुन है, बिना लक्ष्मी तत्व का अवगमन नारायण तत्व का अवगमन संभव नहीं है, एवं नारायण तत्व का अवगमन के बिना लक्ष्मी तत्व का अवगमन भी संभव नहीं है, ऐसा अन्योन्य लक्ष्यम, एक को समझने के लिए और एक को समझना जरूरी है, ऐसा रहने वाला तत्वों को अन्योन्य लक्ष्यम शब्द से इधर कहते हैं। ऐसे तत्व कौन कौन है, विष्णु त्वम च हे देवी, एक विष्णु तत्व और त्वम तू,
अर्थात आप दोनों, आप ऐसा शब्द, त्वम शब्द का मतलब है तू ही है, परंतु त्वम को इधर हम लक्ष्मी जी के लिए आप शब्द कहेंगे। अर्थात अभी तक दो वाक्यों में ये कहा गया है, अर्थात द्वंद्व है, निष्प्रत्युह प्रणय घटित द्वंद्व है, नित्यानपाय द्वंद्व है, अन्योन्य लक्ष्य द्वंद्व है, विष्णु और त्वम चेति अनवधि गुणम द्वंद्वम। अनवधि गुणम अवधि रहित, अर्थात सीमा रहित, सीमातीत गुण वाला दोनों तत्व, अर्थात लक्ष्मी तत्व भी ऐसा है, नारायण तत्व भी ऐसा है, अर्थात द्वंद्व जो है और दोनों दोनों भी अनवधि गुणम द्वंद्वम। अनवधि गुणम अवधि रहित गुण है, अवधि यानी सीमा, सीमा रहित गुण है, अर्थात इतनी ही इतना ही गुण है, ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं, अर्थात अपार गुण, अपार गुणवान, अर्थात दोनों मिथुन, इन दोनों के लिए वासस्थान क्या है उसे कहने में मुख्य तात्पर्य है। द्वंद्वम अन्योन्य लक्ष्यम द्वंद्वम शेषश्चित्त शेषः आदिशेष, जहाँ ये नित्यवास करते हैं दोनों, विमल मनसाम चित्तम, जो सात्विक प्रकृति वाले, मल रहित प्रकृति वाले, अर्थात सात्विक हृदय वाले, जो विमल मनसाम, ऐसे विमल निर्मल मनस्क व्यक्ति का हृदय, ऐसे लोगों का जो हृदय है वो वासस्थान है। श्रुति नाम मौलयः, वेदों का जो शिरोभाग है, उपनिषद है, वो भी एक वासस्थान है। इन दोनों, इन तीनों वासस्थान न केवल वासस्थान है, ये तीनों इनका विहार करने का शय्या विशेषाः, एक पर्यंक के रूप से काम आने वाले हैं। अर्थात शय्या, शय्या यानी सामान्यतः हम कहते हैं शय्या यानी पर्यंक, पलंक, जिस जिसके ऊपर ये अपना विहार करते हैं, लीलाएं करते हैं और एक साथ रहते हैं। ऐसे तीन जगह है, एक आदिशेष है, एक निर्मल मनस्क जो सात्विक प्रकृति के महर्षियां हैं उनके हृदय हैं, क्योंकि सदा ध्यान करते हैं दोनों युगल तत्व को, द्वंद्व तत्व को ध्यान करते हैं, ऐसे हृदय हैं, ऐसे मन हैं। और श्रुति नाम मौलयः, श्रुतियों का शिरोभाग रूपी वेद, वेदांत भाग है, और वेदांत में भी और युगल तत्व का प्रतिपादन होता है, इसलिए ये तीन जगह लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु का वास स्थान, अर्थात क्रीड़ा विहार करने का स्थान, और शय्या अर्थात उन दोनों का सोने का जगह, इसलिए और तीन स्थान मुख्य रूप से विहार के लिए शय्या के रूप से काम आने वाले हैं। शय्या यानी बेड कहते हैं। निष्प्रत श्लोक को फिर से पढ़ेंगे और अन्वय कहेंगे। निष्प्रत्युह प्रणय घटितं देवी नित्यानपायं विष्णुस्त्वं चेत्यनवधि गुणं द्वंद्वमन्योन्यलक्ष्यं शेषः चित्तं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां संपद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्या विशेषाः। देवी निष्प्रत्युह प्रणय घटितं नित्यानपायं अनवधि गुणं विष्णुः त्वं च इति द्वंद्वं अन्योन्य लक्ष्यं यस्य विहरण विधौ शेषः विमल मनसां चित्तं श्रुतीनां मौलयः च शय्या विशेषाः संपद्यन्ते। आप दोनों के लिए ये तीन स्थान शय्या के रूप से संपद्यन्ते, परिणत हुए हैं। आप और लक्ष्मी जी, अर्थात आप और भगवान विष्णु रूपी द्वंद्व के लिए ये तीन मुख्य रूप से स्थान है, विहार स्थान है और शय्या है, ऐसा कहने में तात्पर्य है इस श्लोक का। अर्थात ये कैसे स्तुति रूपी है कि अर्थात लक्ष्मी जी का ये मुख्य स्थान को कहने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। हाँ हाँ, मुझे आदिशेष
आदिशेष के बारे में भी प्रशंसा हुई। हमारा जो द्वंद्व है, मैं और विष्णु दोनों अनपाय द्वंद्व है, अर्थात सदा साथ में रहने वाला द्वंद्व है, और प्रत्यूह रहित अर्थात प्रतिबंध रहित जो प्रेम है उससे युगल बनी है, ऐसा कहने से एक संतोष, और विष्णु त्वम ऐसा नामक नामों को पुकारने से, अपने पतिदेव का नाम पुकारने से संतोष, और ये द्वंद्व शब्द का कहने से संतोष, अन्योन्य लक्ष्यम एक दूसरे से निरूपणीय कहने से अत्यधिक संतोष, और तीन वासस्थान कहने से जो संतोष है, ये सब भगवती की स्तुति के रूप से परिणत होता है। और श्लोक को फिर से पढ़ेंगे। निष्प्रत्यूह प्रणय घटितम देवी नित्यानपायम विष्णुस्त्वं चेत्यनवधि गुणं द्वंद्वमन्योन्य लक्ष्यम शेषश्चित्तं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां संपद्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्या विशेषाः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दासन।